हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति कोफ चैनल पर। आज हम भगवान शिव के अभिषेक के लिए उपयोग में होने वाली वस्तुओं के बारे में बात करने वाले हैं कि भगवान शिव के अभिषेक के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आज हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। हमारे पास एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है और साथ में हमारे पास एक शिवलिंग स्टैंड है। ये शिवलिंग स्टैंड है और इसके अलावा हमारे पास एक पीतल का एक लोटा है जो शिवलिंग के अभिषेक के लिए यूज़ में आता है। और साथ में हमारे पास एक ये जलाधारी है ना, और जिसमें ये शिवलिंग के साथ में ये नाग भी है ना। अभी हम लोग इसको असेंबल करते हैं और देखते हैं किस तरह से पूरा सेट बनाया जाता है और भगवान शिवलिंग का अभिषेक किस तरह से हम लोग इस स्टैंड के माध्यम से कर सकते हैं। साथ में रुद्राक्ष माला है भगवान शिव जी के लिए, का पानी थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। सबसे पहले इस स्टैंड को कसते हैं, इसको किस तरह से कसा जाता है। यहाँ पर इस स्टैंड को इस तरह से कसा जाता है, इसको त्रिपाई स्टैंड भी बोलते हैं और शिवलिंग स्टैंड भी बोलते हैं। इस तरह से ये शिवलिंग स्टैंड को कसना पड़ता है। इस तरह से हमारा ये शिवलिंग स्टैंड पूरा तैयार हो जाता है। अब साथ में हमारे पास एक भगवान को रखने के लिए एक ये जलाधारी रहती है जिसे हम लोग कस लेते हैं। ये भी पीतल की बनी होती है पूरी, भगवान का अभिषेक करने के लिए। ये नाग को इस तरह से कसकर, और हमारे पास एक पीतल की प्लेट है जो कि गायत्री मंत्र है बीच में और ओम का सिंबल है इसके बीच में। ये प्लेट है पीतल की। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सेट को जमाते हैं। सबसे पहले पीतल की प्लेट आती है, उसके ऊपर फिर ये जलाधारी आती है, उसके ऊपर हम लोग ये नर्मदेश्वर लिंग को इस तरह से स्थापित करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये शिवलिंग का स्टैंड इस तरह से हम लोग रख देते हैं। इस तरह से हम लोग ये लोटी को लगाते हैं, इसमें एक मौली कलावा लगाते हैं जिससे कि भगवान का शिवलिंग काफ़ी समय तक होता रहे। इस तरह से जलाभिषेक, नर्मदेश्वर शिवलिंग है और पीतल की लोटी है और पीतल का शिवलिंग स्टैंड है और साथ में पीतल का जलाधारी है, पीतल की प्लेट है। सारे आइटम ब्रास में है। नर्मदेश्वर का ओरिजिनल लिंग है जिसका अभिषेक हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा सेट को असेंबल करके आपने देखा किस तरह से जलाभिषेक भगवान शिव का हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।